शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार हर घंटे हर दिन हर हफ्ते बढ़ती जा रही हैं। अब एक पीड़िता का बड़ा बयान दर्ज हुआ है। पीड़िता ने मुंबई पुलिस मालवनी पुलिस को अपने बयान दर्ज बयान में कहा है कि आरोपियों ने उसके साथ शूटिंग से पहले जो अनुबंध किया था उसमें ये था कि इंटीमेट सीन शूट किए जाएंगे, लेकिन जब सीन सामने आए हैं जो शूट हुआ है और उसके बाद जो ऐप में अपलोड हुआ है उसमें पीड़िता ने बताया है कि उसके प्राइवेट पार्ट नज़र आ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के बयान के बाद राज कुंद्रा केस में राज कुंद्रा और ज़्यादा फंस गए हैं इस पूरे मामले में, और इनका मुश्किलें इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लगातार ऐसे कई पीड़ितों का बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर रहा है। और इस पूरे मामले में हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में खास तौर से इस पीड़िता का जिसका बड़ा बयान आया है और उसने कहा है कि अपने वीडियो में जब उसने देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट नज़र आए, जबकि शूटिंग से पहले उससे वादा किया गया था, उससे अनुबंध किए गए थे, जिस अनुबंध में उसने हस्ताक्षर किया था उसमें यह था कि इंटीमेट सीन शूट किए जाएंगे। इसमें इस पूरे बयान में और क्या कुछ है, क्या कुछ पीड़िता ने मुंबई पुलिस को, मुंबई क्राइम ब्रांच को अपने बयान में दर्ज कराया है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें एनबीटी एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये आप जानते हैं कि एनबीटी एंटरटेनमेंट में ही देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले और ख़ासतौर से एंटरटेनमेंट की खबरें सबसे पहले अपडेट होती हैं। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा से जुड़े पॉन रैकेट में एक और पीड़िता का बयान दर्ज किया है। पीड़िता ने कहा है कि उसे अंतरंग सीन शूट किया जाएगा ऐसा कहा गया था और उसके प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके एक दोस्त ने बताया कि उसका वीडियो हॉटशॉट ऐप पर है और उसके प्राइवेट पार्ट भी दिखाए गए हैं। मालवनी थाने में दर्ज हुई FIR के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इंटीमेट सीन शूट करने को कहकर आरोपियों ने प्राइवेट पार्ट भी दिखाया है। पीड़िता के बयान में कहा है कि उसे बताया गया था कि वह सिर्फ इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रही है, उसके प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाए जाएंगे। वह मान गई, एक अनुबंध पर उसने हस्ताक्षर भी किए। पीड़िता ने अपने इस बयान में आगे दर्ज करवाया है कि शूटिंग के लिए कुछ हज़ार रुपए भी उसे मिले थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसके एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसे बताया कि उसका एडल्ट वीडियो हॉटशॉट ऐप पर उपलब्ध है, तब उसे एहसास हुआ कि पूरा वीडियो बिना किसी कट बिना किसी एडिट के हॉटशॉट ऐप में अपलोड कर दिया गया है और वीडियो में उसके प्राइवेट पार्ट भी दिखाए गए हैं। टाइम्स नाउ ने पुलिस सूत्र के हवाले से लिखा है कि पीड़ितों की गवाही के साथ पुलिस हॉटशॉट ऐप के राजस्व और राज कुंद्रा के बैंक खातों या उससे जुड़े खातों के बीच वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को इस मोर्चे पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक राज कुंद्रा के खातों में राजस्व राशि का पता नहीं चल पाया है। आपको हमने बताया था अपने इससे पहले के वीडियो में कि राज कुंद्रा की जो जमानत याचिका है उस पर भी कुछ नए अपडेट आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या अपडेट आए हैं। राज कुंद्रा की जो जमानत याचिका है वो उसकी जो सुनवाई है वो 7 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी, और उनकी जो दूसरी एक जमानत याचिका है उसकी सुनवाई 10 अगस्त को सेशन कोर्ट में होगी। इसके अलावा इस पूरे खबर पर एक और नया अपडेट आया है जो कि शर्लिन चोपड़ा को लेकर है। शर्लिन चोपड़ा को मुंबई पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने समन भेजा और शुक्रवार को शर्लिन चोपड़ा से होगी इस पूरे मामले में पूछताछ। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नव भारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।